नमस्कार स्टूडेंट्स। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, नमस्कार। आज कोरोना वायरस और आज की प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए हमें और हर एक कंट्री को नमस्कार ही अपनाना होगा, तभी हम इन चीजों से लड़ सकते हैं। और दूसरी चीज, स्टे होम एंड सेव लाइफ, बी सेफ, कीप डिस्टेंस, इन चीजों को भी हमें काफी ध्यान में रखकर चलना होगा। भाई कभी होता था कि इस पहले हम नमस्कार करने में काफी जगह हम झिझक महसूस करते थे, लेकिन आज इंडिया ही नहीं, आज ओवरऑल पूरी कंट्री आप देखिए इस नमस्कार को ही अपना रहा है ना। तो आप अपने संस्कृति को पहचानिए, समझिए, क्योंकि आपकी संस्कृति सबसे बेहतर संस्कृति है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं प्रफुल महाजन आपके साथ लेकर आया हूँ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। हाँ भाई, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, इसके पहले एक और हमने प्रोसेस पढ़ा था जो कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत ही आती है। या आपने देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए और प्रफुल महाजन चैनल में जाकर के एनिलिंग प्रोसेस को सर्च कीजिए, तो आप उसमें समझ जाएंगे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को। तो वहां हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में आप एनिलिंग प्रोसेस बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। आज हम दूसरी प्रोसेस समझने वाले हैं जो कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस है। भाई क्या होती है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, किस तरीके से वर्क करती है, कितने प्रकार होते हैं इसके, अगर हम देखें कितने स्टेजेस में कंप्लीट होती है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस इसमें अपनानी होती है, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो शुरू से लेके अंत तक के वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बनाने जा रहा हूँ, पार्ट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, आप बिल्कुल जरूर ध्यान से देखिएगा। और जो भी आपको क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है जो कि है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग जैसा आपको लिखा दिख रहा है स्क्रीन पर, व्हेन हीट अप एनी मेटल like 800 degree Celsius and cool up in a furnace blast, this process is called annealing। मतलब कि लास्ट वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था कि भाई आप जब किसी मेटल को like 800 degree पे आप उसे furnace blast, जैसे आपको ये भट्टी दिख रही है, इसमें गर्म करते हैं, है ना, कूल करते, और उसके बाद में उसे धीरे धीरे उसी furnace blast में, या आप कहें ये भट्टी में ठंडा करते हैं, तो इस तरीके जो कंप्लीट प्रोसेस तो आपकी कहलाती है, वो क्या कहलाती है आपकी, एनीलिंग प्रोसेस। ध्यान से सुनिएगा, दो वर्ड्स मैंने बड़े इंपॉर्टेंट कहा कि भाई आपने उसे फर्नेस ब्लास्ट में गर्म किया एंड गर्म करने के बाद में उसी फर्नेस ब्लास्ट में या भट्टी में उसे ठंडा किया आपने, तो वो जो प्रोसेस कहलाई आपकी वो कंप्लीट प्रोसेस। इस तरह की जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाई वो होती है आपकी एनीलिंग प्रोसेस। ठीक, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, बट व्हेन द हीट अप मेटल एंड कूल अप इन अ एटमॉस्फेयर, या फिर कहिए आउट ऑफ द फर्नेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजिंग। भाई पहला ही डिफरेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से दोनों सेंटेंस में समझ आ गया होगा। भाई आप जब इसी तरह से आप जो प्रोसेस अपनाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा टेम्परेचर कम लगता है, ये जो आपकी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में थोड़ा कम टेम्परेचर पर ही कंप्लीट हो जाती है। तो उसमें कहा है कि हम मेटल को गर्म करते हैं एंड गर्म करने के बाद में उसी फर्नेस ब्लास्ट में या वात्य भट्टी में ठंडा नहीं करते, उसे ठंडा करने के लिए हम बाहर निकालते हैं उसे उस भट्टी से और खुले आसमान में या एयर के कांटेक्ट में उसे ठंडा करते हैं। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है आपकी वो कहलाती है आपकी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल, इफ यू हीट अप एनी आयरन रॉड, भाई अगर आप मान के चलिए ये जैसे दिख रहा है आपको, कोई आयरन रॉड को आप गर्म कर रहे हैं, एंड ड्राइंग और सो इन दिस आयरन रॉड क्रिएट वेरियस स्ट्रेसेस फॉर द रिलीविंग दैट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस वी यूज एनीलिंग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। मतलब इस ओवरऑल सेंटेंस में ये बताने का प्रयास किया है कि भाई आपके पास में जो मटेरियल्स जो अवेलेबल होता है, जो मेटल्स आपके पास अवेलेबल होती है, उसको प्यूरिफाई करके आप जब लेकर आते हैं तो बड़े बड़े बिलेट्स के फॉर्म में होती है ना एक, और आप उसको डायरेक्टली, उन बिलेट्स को डायरेक्टली आप यूज नहीं करते, आप उसको अलग अलग शेप एंड साइज में कन्वर्ट करते हैं।
तब जाकर के आप उसको यूज करते, सीधे आप यूज नहीं करते। तो वही शेप एंड साइज में उसको ढालने के लिए आप अलग अलग मशीनिंग प्रोसेस से आपको उसको गुजारते हैं। मान लीजिए आपको कुछ काटने वाला टूल बनाना है, तो भाई आप उसे ग्राइंडिंग मशीन में शार्प करेंगे, कुछ टर्निंग मशीन में, लेथ मशीन में उसकी कुछ मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे, या मान लीजिए उससे आपको कुछ ढक्कन बनाना है या और शीट बनाना है, ये सब चीजें अगर आप बना रहे हैं उसकी, तो आपको उसको ड्रॉइंग प्रोसेस या अन्य और बहुत सारी एक्सट्रूजन विभिन्न तरह की प्रक्रियाओं से होकर के मशीनिंग प्रोसेस से होकर आपको गुजारना पड़ता है। अब इन प्रक्रियाओं से गुजारने में उस मटेरियल के अंदर काफी सारे स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। मान के चलिए मैंने आपको एक काम दिया, वो काम आपका इस तरह से था कि उसमें आपको कोर्ट भी जाना था, बैंक भी जाना था, कलेक्ट्रेट भी जाना था, ऐसे बहुत सारे ऑफिस होते हुए जाना था आपको। अब जब लास्ट में आप मेरे पास आएंगे इतने सारे लोगों से होकर गुजर के, तो आप में काफी सारा स्ट्रेस जनरेट होगा, क्योंकि आप अलग अलग ऑफिस में जाएंगे, आपको विभिन्न भिन्न भिन्न तरीके के व्यक्ति मिलेंगे जो कि आपको अलग अलग तरीके से बातें बताएंगे, आपको कोई जल्दी काम करेगा, कोई सुनेगा ही नहीं, आप किसी को ढूंढते रहेंगे, तो एक तरह का दिन भर में आपका एक स्ट्रेस जनरेट होगा। तो सिमिलरली आप इसको उससे कोरिलेट करके समझ सकते हैं कि भाई मेटल भी ऐसी होती है कि भाई जब आप विभिन्न तरह की मशीनिंग प्रोसेस से आप उसको गुजारते हैं, तो अब उसमें कैपेबिलिटी उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से उसकी स्टार्टिंग में थी। जैसे मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाया कि स्टार्टिंग में जैसे आप दिन में सुबह मेरे पास जब ऑफिस में आए थे, तो मैंने जब आपको काम सौंपा था उस समय आप फुल एनर्जेटिक थे, ठीक है, लेकिन जब आप इतने सारे ऑफिस से होकर, इतने सारे प्रक्रियाओं से होकर जब गुजरे, तो आप में उस शुरू के समय के जैसी कैपेसिटी नहीं बची थी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो उसमें स्ट्रेसेस जनरेट हुए, ये आपके आगे प्रोडक्ट के लिए अच्छे नहीं होते, वो जल्दी खराब हो सकता है, टूट सकता है, और आपकी बनी बुनाई करी बुनाई मेहनत से पानी फिर सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, इसकी कैपेसिटी या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे मेंटेन रखने के लिए या अन्य प्रॉपर्टी उसमें जनरेट करने के लिए, ये कह सकते हैं हम, ये करने हेतु हम उसमें जो अनिलिंग प्रोसेस है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस है, इस तरह की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से उस मेटल को गुजारते हैं, और तब जाकर के इन प्रोसेस को गुजारने के पश्चात उसमें वो प्रॉपर्टी फिर से जनरेट होती है या अन्य और अपने अकॉर्डिंग हम उसमें प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं। ठीक, आगे कहा है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस सिमिलर टू अनिलिंग प्रोसेस। हाँ भाई, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस जो होती है काफी अनिलिंग जो प्रोसेस होती है उसी के समान होती है, लेकिन हम इसमें गौर फरमाएंगे, बात करेंगे कि कैसे थोड़ी सी डिफरेंट होती है उनसे। भाई आप सेम होते तो फिर इसी को फिर अनिलिंग प्रोसेस भी कह देते, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पे इसे हम अलग कहते हैं, और वो पॉइंट्स है आपका ये स्टार्टिंग वाला कि भाई इसे आप खुले आसमान में नहीं, मातिया भट्टी में या फर्नेस ब्लास्ट में इसे ठंडा करते हैं, एंड आपकी जो अनिलिंग प्रोसेस होती है इसे आप फर्नेस ब्लास्ट या वात्या भट्टी से बाहर निकाल के ठंडा करते हैं, टेम्परेचर का भी काफी डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही आगे पॉइंट्स हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से जो आपकी अनिलिंग प्रोसेस देखिए, आप नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, ये सारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किस तरीके से वर्क करती है। ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, जैसे थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, आगे हम देखते हैं। ये जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस तरीके से आप जो आपकी फर्नेस ब्लास्ट होती है वहां पर आपके बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी आप हीट ट्रीटमेंट देते हैं, इस तरह से वो रेड हार्डनेस हो जाती है, उसमें रेड दिखने लगते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, काफी टेम्परेचर होता है इस वजह से इसका कलर आपको चेंज होते हुए दिख रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, अगर आप तो ये फर्नेस ब्लास्ट है तो इसके अंदर ये ठंडा हो रहा है मान के चलिए, तो ये आपके अनिलिंग प्रोसेस है। इधर बाहर हो रहा है आपको खुले एटमोस्फेयर में, तो ये आप लेकर चल सकते हैं कि जिसे था नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। ठीक, आगे देखिए, एवरेज ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर ड्यूरिंग कूलिंग इज लोअर इन नॉर्मलाइजिंग कंपेयर टू अनिलिंग, रिजल्ट इन फाइन ग्रेन्स इन नॉर्मलाइजिंग कंपेयर टू अनिलिंग। मतलब इसमें जो बात कही है कि भाई एक और डिफरेंस हमें दिख रहा है इन दोनों प्रोसेस में, कि जो अनिलिंग प्रोसेस होती है इसकी अगर हम बात करें तो जो कूलिंग टाइमिंग जो होता है वो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता है। भी आप ही लीजिए, भी फर्नेस ब्लास्ट के अंदर आप कर रहे हैं तो वो थोड़ा देरी से ठंडा होगा, लेकिन अगर आप बाहर एटमोस्फियरिक एयर में ठंडा करें तो वो जल्दी होगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जल्दी होती कंप्लीट होती है। दूसरी एक और चीज की इसके अंदर जो ग्रेन साइज होते हैं, आप ग्रेन साइज की अगर हम बात करें तो लास्ट वीडियो में मैंने अनिलिंग प्रोसेस में आपको काफी अच्छे से समझाया है कि भाई जब या हीट ट्रीटमेंट वाली वीडियो में जब हम आप मटेरियल्स को हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें धीरे 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 उसके ग्रेन साइज में परिवर्तन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे ग्रेन साइज की बात किया है। ठीक,
तो इन नॉर्मलाइजिंग कंपेयर टू एनीलिंग मतलब इसमें बात किया है कि जो नॉर्मलाइजिंग में बोला है कि फाइनर ग्रेन साइज मतलब छोटे छोटे और काफी अच्छे एक तरह से हम कह सकते हैं पॉजिटिव समझ सकते हैं उस तरह के जो ग्रेन साइज होते हैं आपके नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में जनरेट होते हैं और जो एनीलिंग प्रोसेस है उसमें उसके कंपेरिजन में थोड़े रियर आप कह सकते हैं वो जनरेट होते हैं यानी अच्छे तरीके से आप बात कर सकते हैं ठीक है। देखिए अगला पॉइंट, देयरफॉर नॉर्मलाइजिंग स्टील आर हार्डर एंड स्ट्रॉन्ग देन द अनिल्ड स्टील मतलब जो आपकी नॉर्मलाइजिंग जो स्टील होती है वो हार्डर और स्ट्रॉन्ग होती है जो कि आपके एनिलिंग वाली स्टील होती है उससे ज्यादा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी स्टील जो बोले अगर नॉर्मलाइजिंग की वो स्ट्रॉन्ग होती है हार्ड भी होगी और स्ट्रॉन्ग भी होगी ठीक है। कंपेयर करके देखिए अगर हालांकि दोनों में अच्छी होगी लेकिन दोनों में अगर कंपेरिजन करके देखे तो नॉर्मलाइजिंग की जो आपकी स्टील होगी स्टील का एग्जाम्पल लेके चल रहे अगर हम स्टील को हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसकी चीजें है ठीक है। द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजिंग इज ऑफन कंफ्यूज विद अ सिमिलर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नोन एज एनीलिंग मतलब इसने बोला है द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजिंग मतलब इन दोनों में काफी कंफ्यूज होता है कई बार दोनों प्रोसेस में क्योंकि दोनों हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ही सेम आपकी फर्नेस ब्लास्ट के अंदर ही कंप्लीट की जाती है लेकिन इन पॉइंट्स के बेसिस पे जो कि हमने अभी डिस्कस किए इनके बेसिस पे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्टील दैट इज अनिल्ड इज यूजुअली सॉफ्टर एंड वीकर देन स्टील इज दैट नॉर्मलाइज्ड वही बात किया है इसमें जैसे कि इसमें बताया था कि जो आपकी नॉर्मलाइजिंग वाली स्टील है वो काफी आपकी हार्ड भी होगी और स्ट्रॉन्ग भी होगी अनिल्ड वाली स्टील से। नॉर्मलाइजिंग की आप बात करें द सैंपल इज हीट अबव A3 कंप्लीट ऑस्टेनाइजेशन मतलब जैसे आपको दिख रहा है ये पॉइंट्स यहाँ A3 दिख रहा है या नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बोला है कि यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है ठीक। अगर हम देखें ये आपको आयरन कार्बन डायग्राम से ये और चीजें बहुत अच्छी तरीके समझ में आएगी। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए आयरन कार्बन डायग्राम भी लेकर आऊंगा जिसमें आप समझे कि कहाँ नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कहाँ ऑस्टेनाइजिंग कहाँ मार्टेनसाइट ये सारी चीजें कहाँ बनती है यहाँ नीचे आपका कार्बन का परसेंटेज होता है इधर आपका टेम्परेचर होता है जैसे टी को शो कर रहा है ठीक है। द सैंपल इज देन एयर कूल्ड टू ऑब्टेन फाइन परलाइट आगे इसमें कहा है जैसे अगर आप देखेंगे तो फिर उसमें फाइन परलाइट दिखना स्टार्ट होते हैं धीरे 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 ग्रेन साइज में परिवर्तन होना स्टार्ट होता है। फाइन परलाइट हैज अ रीजनेबली गुड हार्डनेस एंड डक्टिलिटी जो फाइन परलाइट अगर हम देखें तो पॉजिटिव में मैंने जब इसलिए कहा था कि भाई इसकी कैपेसिटी अच्छी होगी मतलब ये हार्ड हो गए ज्यादा और अधिक अच्छे हार्ड हो गए साथ ही डक्टिलिटी भी आपकी उसकी अच्छी होगी। इन हाइपोयूटिक्टाइल स्टील नॉर्मलाइजिंग इज डन 50°C अबाउट द एनीलिंग टेम्परेचर मतलब जो आप देखिए जो हाइपोयूटिक्टाइल स्टील की बात अगर हम करते हैं नॉर्मलाइजिंग के लिए तो ये 50°C अबाउट होती है एनीलिंग टेम्परेचर से ठीक है। चलिए आगे अगर देखिए तो हमारा अगला पॉइंट है आपका कि एम ऑफ नॉर्मलाइजिंग भाई आप नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस तो कर रहे हैं लेकिन किस उद्देश्य ये प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं तो उसी के बारे में हम जानते हैं। द ऑब्जेक्टिव या फिर एम कहिए ऑब्जेक्ट द ट्रीटमेंट ये एक तरह की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है इज टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ प्रायर प्रोसेस सच एज द कास्टिंग फोर्जिंग और रोलिंग इनटू वन व्हिच एनहांस थोनेस और इन सर्टेन प्रोडक्ट फ्रॉम मीट फाइनल मैकेनिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड मतलब इसमें इस पूरे सेंटेंस का अगर हम मीनिंग समझे तो इसमें ये बताने के प्रयास किया है कि आप जब आपका जो प्रोडक्ट होता है जब आपने उसको मशीनिंग प्रोसेस से बनाया और आगे यूज करने से पहले अगर आप देखें तो ये आप अनिलिंग प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग अनिलिंग जो बोल रहे हैं आप ये प्रोसेस आप उस पे मतलब अप्लाई करते हैं ठीक है। अब जैसे आपने देखा कि आप कास्टिंग करते हैं भाई अलग अलग शेप एंड साइज में अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए उसे कास्टिंग प्रक्रिया से गुजारते हैं कुछ फोर्जिंग से गुजारना पड़ता है कुछ रोलिंग से गुजारना पड़ता है जैसे शीट वीट अगर आप बना रहे हैं तो इन सब में हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि काफी सारे इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं आपके इन प्रोडक्ट में तो वो इंटरनल स्ट्रेसेस से बचाने के लिए आप ये कह सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर क्योंकि स्ट्रेसेस वो आपके अच्छे नहीं होते पॉजिटिव में नहीं होते उसके लिए और उसकी कैपेसिटी को कम करते हैं तो इन सबसे उनको बचाव करने के लिए हम क्या काम करते हैं कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस उसे अप्लाई करते हैं ठीक है जैसे कि उसकी और अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। अब वो कौन कौन से मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जिनको लाने के उद्देश्य से हम इस तरह का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस उसमें अप्लाई करते हैं तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है आपका रिफाइनिंग द एग्जिस्टिंग
नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, मतलब उसमें अगर हम बात करें कि जो आपकी स्ट्रक्चर होती है, पहले अगर आप देखिए तो ये जब आप इसके अंदर जब इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं ना, तो इसमें उसके जो आप देखिएगा कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो अनयूनिफॉर्म एकदम से अस्त व्यस्त दिखेगा, आपको एक प्रॉपर शेप में नहीं दिखेगा, वो डिस्टर्ब होता हुआ दिखेगा, और डिस्टर्ब होने की वजह से उसके प्रॉपर्टी में भी काफी सारे चेंजेस जा जाएंगे जो कि आपकी एक अच्छे मशीनिंग प्रोडक्ट के लिए अच्छे नहीं होते। तो इसीलिए आप क्या काम करते हैं कि ये जब नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस अपनाते हैं तो उसके उसके बाद जो उसके जो स्ट्रक्चर हो जाते हैं वो काफी अच्छे यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर अगर हम बोले तो उसे अच्छी तरह से बन जाते हैं। आगे अगर हम सेकंड पॉइंट में देखें रिलीविंग इंटरनल स्ट्रेस पे, आपने देखा कि भाई अब जब हम ये ट्रीटमेंट प्रोसेस अपनाते हैं इसके ऊपर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, तो इससे उसका इंटरनल स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, भी दूर हो जाता है, है ना। और हमारा उद्देश्य ही उसका यही है कि उसके जो इंटरनल स्ट्रेस है उसको हम दूर करें। रिफाइनिंग द ग्रेन साइज, मतलब उसके जो ग्रेन साइज होते हैं वो काफी अच्छे से रिफाइन हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आपको रिफाइन ऑयल का यूज करना चाहिए, मतलब काफी वो मतलब अशुद्ध नहीं शुद्ध वाला, ठीक है। तो वैसे ही उसके जो ग्रेन साइज आप बात कर रहे तो वो शुद्ध हो जाते हैं इन सब प्रोसेस को गुजारने से, ठीक है। इम्प्रूविंग टफनेस, उसकी टफनेस काफी इम्प्रूव हो जाती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उसे इस उद्देश्य से हम नॉर्मलाइजिंग जो प्रोसेस है वो की जाती है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज ऑफन स्मॉल व्हेन द एनीलिंग प्रोसेस बीइंग कंप्लीटेड थ्रू अ शॉर्टर कूलिंग प्रोसेस ऑफ फर्नेस। भाई इसमें बात किया है कि भाई जो आपकी एनीलिंग प्रोसेस से ये जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस है ये कम समय में कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। आगे अगर हम देखें नॉर्मलाइज एम ऑफ नॉर्मलाइजिंग की, तो भाई हमने देखा कि टू इम्प्रूव मसिबिलिटी, जो आपने जॉब बनाया है जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं उसकी मसिबिलिटी जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। पहले होता है कि उसकी मसिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहती, भाई आप कास्टिंग वगैरह से प्रोडक्ट बनाते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी जो सरफेस होती है काफी हार्ड हो जाती है, तो वो ब्रेक हो जाता है स्ट्रेसेस जनरेट होने की वजह से। तो अब जब हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में अपनाते हैं नॉर्मलाइजिंग, तो उससे उसकी मसिबिलिटी मतलब सॉफ्ट डक्टाइल हो जाता है वो जो प्रोडक्ट होता है आपका, या जॉब ले लीजिए, ठीक है। टू मॉडिफाई रिफाइन कास्ट डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर, वही जिसमें बात किया कि उसके ग्रेन जो साइज है उसके वो रिफाइन हो जाते हैं, टू रिफाइन ग्रेन साइज, ठीक है। टू मेक स्टील सुटेबल फॉर द फर्दर हीट ट्रीटमेंट, मतलब इसमें बात किया है कि हीट ट्रीटमेंट करने से उसका जो जो स्टील, अगर मान लीजिए आप स्टील के ऊपर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर रहे हैं तो और अधिक अच्छा उसको सुटेबल बनाता है, ठीक है, अपने जो रिक्वायर्ड वर्क को फुलफिल करने के लिए। टू रिफाइन द इंटरनल स्ट्रेसेस, उसके साथ ही साथ इन सब प्रक्रियाओं को ऑब्वियसली जब हम अपनाते हैं ये सब उद्देश्य पूरे होते तो उसके इंटरनल स्ट्रेसेस में भी रिफाइनमेंट हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि ये जो आपके एनीलिंग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस है इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पे आप देखिएगा और एक विशेष प्रक्रिया के थ्रू गुजार करके नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस आपकी कंप्लीट की जाती है, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग की अगर हम देखें तो कूलिंग इज यूजुअली कैरिड आउट इन एयर, शो सब्सिक्वेंट मशीनिंग और सरफेस फिनिशिंग इज रिक्वायर्ड टू रिमूव स्केल और डीकार्बोनाइज्ड लेयर। नॉर्मलाइजिंग इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेबल टू फेरस मेटल ओनली, इन मेनी केसेस इट इज द लास्ट ट्रीटमेंट गिवन टू स्टील बिफोर इट इज पुट टू यूज, ठीक। पर्पस की अगर हम बात करें तो ये सब हमने देखा कि इन पर्पस के उद्देश्य से हम ये जो आपकी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस है उसे हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आज हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मलाइजिंग को कि किस तरीके से आपकी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस हम अपनाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमने इसमें देखा कि नॉर्मलाइजिंग और एनीलिंग प्रोसेस में हम डिफरेंशिएट किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्मलाइजिंग क्या है और एनीलिंग क्या है। तो इन पॉइंट्स के वजह से हमने समझा, ठीक है, किस तरीके से कंप्लीट की जाती है, अंदर किया या बाहर किया, ठीक है। हमने देखा नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को एक ग्राफ के थ्रू भी समझा कि भाई ये टेम्परेचर है या ऑक्सीजनाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। एम देखा हमने कि नॉर्मलाइजिंग करने का मुख्य हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक, क्या क्या हमने इसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, किस उद्देश्य से हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। और अगली वीडियो में, अगले पार्ट में आप ध्यान से देखिएगा, इसमें रहेगा हमारा जो आपकी एनीलिंग प्रोसेस होती है आपकी वो कितने स्टेजेस में कंप्लीट होती है। चलिए एक बार थोड़ा ओवरव्यू दिखा दूं, ये जो आपकी स्टेज होती है ये तीन स्टेज में कंप्लीट होती है जो आपकी
नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होती है। पहली स्टेज होती है आपकी हीटिंग स्टेज, दूसरी होती है आपकी होल्डिंग और तीसरी होती है कूलिंग स्टेज। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है ग्राफ में, हीटिंग, होल्डिंग एंड कूलिंग। तो इन तीन स्टेजेस की हेल्प से हम अपनी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, धन्यवाद आपका सभी का पूरा वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, और जो भी डाउट हो आप प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछिए और अपने क्वेरी को, अपने क्वेश्चंस को मतलब संतुष्ट दीजिए अपने आप को, ठीक है। और साथ ही में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो। और अगर हाँ, वीडियो में कोई कमी हो और आप इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपके सजेशन का भी बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।